इंग्लिश रो नुआ नुआ वीडियो देखिबा कोले मो चैनल सुधीर सर इंग्लिश को सब्सक्राइब करंतु पाकर तबा बेल आइकन को ऑन करंतु एवं वीडियो को लाइक कमेंट आउ शेयर करंतु। हेलो एंड वेलकम टू ऑल टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, दशम रो पांचोटी पोएट्री अछि जार ना होछि ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, द सॉलिटरी रिपर, विलेज सॉन्ग, द फ्लावर स्कूल एंड लास्ट होछि फ्रॉम द फॉर्मलिन जार। सबु पोएट्रीर वीडियो को आम गोटे जगह पाई से प्लेलीस्टर नाँ हूँ पोएट्री सेक्शन, प्लेलीस्टर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखाई। वीडियो रे आमे तुम्हारा लास्ट पोएट्री जहाँ रही फ्रॉम द फॉर्मलिन जार पढ़ा, तेणु समस्ते वीडियो को लास्ट पर्यंत देख कहीं यहाँ तुम्हारा लास्ट पोएट्री। ये पोएट्री टी आम दुईटी पार्ट्रे बुझा, यही पार्ट्रे आम स्टांजा वन आउ स्टांजा टू पढ़ा, आउ नेक्स्ट पार्ट रे हमें स्टांजा थ्री फोर फाइव सिक्स पढ़ा। ठीक अच्छे, समस्ते वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिबो एवं केवल देखिले हबो नाही पिला माने वीडियो को तुम फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करिबो। ठीक अच्छे, ताले आउ गोटे कथा पिला माने, एई चैप्टर रो अति सुंदर नोट डिजाइन कराइछि, जो नोट रे तुम्हें स्टांजा वाइज वार्ड मीनिंग पाइपर, स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन, स्टांजा वाइज क्वेश्चन आंसर, आउ टेक्स्ट बुक रो क्वेश्चन आंसर जहाँ रही पाइपर। अति सुंदर नोट हो, नोट रो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखाई, ताकि तुम्हें डाउनलोड कर देख, चैप्टर इजिली तुम्हें बुझीपार कहीं वीडियो अवेलेबल होगा, नोट अवेलेबल होगा, आ कि असुविधा नहीं। ठीक अच्छे, आउ लेट करानी, आम वीडियो स्टार्ट करवा, समस्त लास्ट पर्यटन देख, आउ वीडियो को लाइक कमेंट आउ शेयर कर। जब चैनल को फर्स्ट टाइम पे आसीछ ताले सब्सक्राइब कर, पाखर थिबा बेल आइकन को ऑन करनियो। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द चैप्टर इज फ्रॉम द फॉर्मलिन जार, व्हिच इज रिटन बाय डॉक्टर रीता एस मनी। बिफोर गोइंग थ्रू द चैप्टर, आई एम शोइंग यू सम पिक्चर्स। Look at the pictures carefully and answer to my questions. You are watching that the men are not wearing helmets during their driving. Lokomane helmet pindhinanti driving kala bele. Is it right for them? Is it good for all of us? Eta kon am pai thik ba se mane jo helmet pindhinanti ta kon tanko pai bhalo ki? Think hard, bhala bele chinta karo, think carefully. Yes, you will definitely answer, no sir, this is not right, this is not good for their health. We should wear helmets while driving. Ame helmet pindhiba uchit. Then some of you may ask, tum bidur kejon pacharibo, sir, why should we wear helmets? Kain ke ame helmet pindhiba katha? Then my answer is, please write down, इट इज क्रुशियल और इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर हेड्स इन एन एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट हुए यहाँ आम क्रुशियल इम्पोर्टेंट कौन ना आम हेड को मुंड को सुरक्षा देवा। इट इज प्रोटेक्ट, वी शुड प्रोटेक्ट आवर हेड। स्टडीज हैव शोन दैट वेयरिंग ए हेलमेट कैन रिड्यूस योर रिस्क ऑफ ए सीरियस ब्रेन इंजुरी एंड डेथ। स्टडीज जमापड़ी जी बहुत मात्र सांघातिक दुर्घटना घटू, तेल हेलमेट जो आम गोटे गुरुतर आघात बा मृत्यु बर्ती जा पारे। कहीं बिकज ड्यूरींग ए फॉल और कोलिजन जब किसी माड़ हो जाए पड़ जाऊे, मोस्ट ऑफ द इंपैक्ट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द हेलमेट। हेलमेट सब शक्त धोखा सहुच रादर देन आवर हेड एंड ब्रेन, आमर हेड आउ ब्रेन तुलन में, तेणु से आम वी शुड वेयर हेलमेट्स। ठीक अच्छे, आम क्लास नाइन रे गोटे प्रोच थिला आमर रोड सेफ्टी वीक, आम रोड सेफ्टी रूल विषय से चैप्टर रे बहुत भल भाव पढ़ीचे। ठीक अच्छे, वर्तमान आम देखा फर्स्ट लीड इन चैप्टर नाम कहले फ्रॉम द फॉर्मलिन जार, जहाँ को लिखिंट डॉक्टर रीता एस मनी। ताले लीड इन पढ़ा, समस्ते केयरफुली शुण। डू यू नो दैट रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया नाउ इट इज। ताले कौन कॉमन ना रोड एक्सीडेंट होची बहुत कॉमन। व्हाट आर वेरी कॉमन इन इंडिया नाउ इट इज रोड एक्सीडेंट बा सड़क दुर्घटना अति साधारण घटना हेगलानी आजिकल इंडिया रे। यू विल बी शॉक्ड टू नो, यू विल बी सरप्राइज्ड, तुम्हें अति मात्रा शॉक हो जीवो बा आश्चर्य हो जीवो जाने की कौन 152,000 और 1,52,000 पीपुल डाइड इन इंडिया, इनक्लूडिंग 5
1,315 in Odisha in 2018 as a result of road accidents. Road accident ro result ba phala phala kon na in 2018 2018 masiya re 152,000 or 1,52,000 ek lakh 52,000 loko mrityubaran karthile in India. People died in India. Including 5,315, 5,315 लोको ओडिशा रे मृत्युवरण करथिले. देखुछ केते भयंकर कथा. The number of those who get injured or disabled is nearly 3 to 4 times higher than the number of deaths. जेतिक परिमाणर डेथ होउची बा मृत्यु संख्या होउची ताठु 3-4 गुण अधिक होउची जो माने इंजर्ड होउचंती बा डिसेबल्ड अकर्मण्य होउचंती बा आघात पाउचंती. बुझुच्छ द नंबर ऑफ दोज हु गेट इंजर्ड और डिसेबल्ड जो माने विकलांग हो जाउछन्ति बा आघात पाउछन्ति अति मात्रा रे रोड एक्सीडेंट जोगु ताको संख्या जदि हमें कहिबा इज नियरली 3 टू 4 टाइम्स हायर देन 3 रु 4 गुण अधिक ताले पाखा बा केते हि जीवो 4.5 लाख रु अधिक 5 लाख पाखा बाकी हि जाउछ. बुझुच्छ काहे कि ना ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स. Increasing incidences of traffic violation and lack of awareness about safety rules have turned out to be the major factors of such deaths. Tale what turned out to be the major factors of such deaths? Ebhuli mrityuro kon sabu karan rahichi ja ame dekhuche. Increasing incidences of traffic violation. Violation mane huchi ullanghan ba abamanana. Bujhuchi tale ati matra re आम ट्राफिक नियम को उल्लंघन करुचे ट्राफिक नियम को आम मानुना एंड लैक ऑफ अवेयरनेस. अवेयरनेस मीन्स सचेतनता एवं सचेतनतार अभाव रहुचि अबाउट सेफ्टी रूल्स रोड सेफ्टी नियम विषय रे आम जाने आम अजणा रहुचे. हाव टर्न आउट ये कारण साजुच कौन ना टू बी द मेजर फैक्टर्स ऑफ सच डेथ्स ये मृत्युर कारण साजुच. द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाज आइडेंटिफाइड 5 major risk factors of road injuries such as speed, alcohol, seat belt, helmet and visibility. पांचटी मुख्य कारण identify करिछि चिन्हट करिछि के ना WHO World Health Organization such as speed अधिक बिकरे गाड़ी चलाइबा speed is dangerous. Alcohol मद्यपान करि गाड़ी चलाइबा जानिछो. seat belt न पिंदिबा four wheelers कथा. Helmet bikers जो माने सेमाने हेलमेट पिंधुनाहांती जहाँ आम पूर्व देखिले कहीं हेलमेट पिंधिले से विषय जानिले. एंड विजिबिलिटी एवं देखा न जा बंकाणी टर्निंग बेले गाड़ी चलेबा हो किंबा आहरी बहुत कारण रही विजिबिलिटी तुम से विषय जान फ्यूचर रे. वी कैन ऑल्सो आड डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग आहरी बहुत गुड़ी डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग रही मन मुताबक गाड़ी चलना रही सचार्ज यूजिंग सेल फोन व्यवहार करिबा जोगु मोबाइल फोन रे कथा बा टेक्सटिंग और लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल ड्राइविंग किंबा ड्राइविंग बेले म्यूजिक सुनिबा. बिसाइड्स टायर्डनेस टायर्ड हेकि गाड़ी चलेबा एंड अनसेफ रोड्स एवं किछि अण निरापद रास्ता गुड़ी को मध्य आर द मेजर रीजन्स फॉर डेथ एउटाक मध्य रहउछि मुख्य कारण डेथ पई. बुझुछि लेट्स रीड एन इंटरेस्टिंग पोएम फ्रॉम द फॉर्मालिनजा टू नो अबाउट रोड सेफ्टी. रोड सेफ्टी विषय जानापी आमको पढ़ाक पड़ो गोटे पोएम जार ना हो फ्रम द फॉर्मालिन जार. मन रखा दिस पोएम क्रिएट्स आन अवेयरनेस अबाउट रोड सेफ्टी. आमको रोड सेफ्टी उपर सचेतन दौर वीडियो जिते लंग हो पचे पे तुम्हें देख कहीं पढ़ा पूर्व आम पोएट बा कवि विषय फास्ट पढ़ी ना जहाँ तुम्हें बही पढ़ी थो अबाउट द पोएट. डॉक्टर रीता एस मणि इज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड ए राइटर बाय पैशन. प्रोफेशन बा वृत्ति से जड़े डॉक्टर थिले एवं पैशन प्रभु थिला ए राइटर बा जड़े लेखिका थिले कौन था ना डॉक्टर रीता एस मणि रीता सुब्रमण्यम मणि. सी जे न्यूरो भाइरोलोजिस्ट आट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निमहांस बेंगालुरु. तले बेंगालुरु जानचो कर्नाटक रे से जड़े न्यूरो भाइरोलोजिस्ट थिले स्टडीज अबाउट न्यूरॉन्स बा स्नायु विषय से अध्ययन करुले स्नायुविद आम कहीपरिया
कोठी जॉब करथले ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस शॉर्ट फॉर्म होची निमहांस NIMHANS ओडा की बेंगलुरु रे अछि ओके डॉक्टर रीता हैज पब्लिश्ड ऑनलाइन इन प्रिंट सेवरल शॉर्ट स्टोरीज पोएम्स एसेज एंड ट्रैवलॉग्स इंक्लूडिंग सेवरल शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन तले से किछ ऑनलाइन रे लेखा प्रकाश करछंती शॉर्ट स्टोरीज छोट छोट गप पोएम्स एसेज एंड ट्रैवलॉग्स ट्रैवलॉग्स माने होच कोन ना ए फिल्म और बुक और इलस्ट्रेटेड लेक्चर अबाउट द प्लेसेस विजिटेड बाय और एक्सपीरियंसेस ऑफ ए ट्रैवलर ट्रैवलर गोटे जगह भ्रमण कर जाऊ से विषय लेखा हो कि गोटे छोट फिल्म हो से विषय एक्सपीरियंस सेयार करने को ट्रैवलॉग्स बुझे नोट डिटेल्स अच्छे इंक्लूडिंग सेवरल शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन पाला कि छोट छोट गप से लिखिंट सी लव्स टू वीव हेल्थ इनफर्मेसन इंटू हर स्टोरीज टू एजुकेट एंड फोस्टर इनक्विजिटिवनेस इन चिल्ड्रेन पिला भितर इनक्विजिटिवनेस मीन्स रिसर्च मनोभाव अनुसंधान गवेषणार धारणा को क्रिएट करने फोस्टर्स मैंने एनकरेज करने से बहुत गुड़े स्टोरी लिखिंटे उद्देश्य बुझे आउ कौन ना सी लव्स टू वीव हेल्थ इनफर्मेसन मैंने से स्वास्थ्य जनित सूचना को प्रकाश करने चाहती लेखा मध्यम कहीं टू एजुकेट एंड फोस्टर इनक्विजिटिवनेस इन चिल्ड्रेन पिला गवेषणा क्वेश्चन पचारि आस्किंग क्वेश्चन नॉलेज बढ़ावाई क्यूरियोसिटी यू को एनकरेज फोस्टर एनकरेज करने लेखा गुड़ाक प्रकाश पाई ठीक अच्छे तापर अबाउट द पोएम पोएम विषय टे जाना कौन पर लिखाई से विषय जाना तेल आमको इजी हम ओके दिस पोएम फ्रॉम द फॉर्मलिन जार वाज रिटेन इन सेप्टेम्बर 2013 रे जो पोएम जार ना होची फ्रॉम द फॉर्मलिन जार लिखा हितला टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेफ ड्राइविंग निरापद गाड़ी चालना एंड अदर रोड सेफ्टी रूल्स एवं आहुरी बहुत गुड़िए सड़क नियम विषय सड़क सुरक्षा नियम विषय इन द कम्युनिटी कम्युनिटी एंड पब्लिश्ड ऑनलाइन एट youthspring.net ए वेबसाइट रे पब्लिश हेतला ए फोरम ऑफ फॉर नर्चरिंग यूथ वेलबिंग गोटे फोरम थिला गोटे भलो बैकग्राउंड थिला जहाँकि यूथ मानक पाई यूथ मानक एजुकेटिंग करिवो नर्चरिंग बुझियो छी रोड ट्रैफिक इंजुरीज आर द लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटीज तो आम जाने एक पढ़ीचे रोड ट्राफिक इंजुरी हूँ बहुत मात्रा रे मृत्यु एवं डिसेबिलिटी आक्रमण होवार कारण स्पेशली एमंग चिल्ड्रेन एंड यंग एडल्ट स्पेशली चिल्ड्रेन आउ यंग एडल्ट्स एथरे बेसी अफेक्टेड होउछंती दिस हार्ट ब्रेकिंग पोएम कन्वेज हाउ ए मोमेंट ऑफ सिंपल केयरलेसनेस कॉस्ट ए यंग लिवली एंड केयरिंग बॉय हिज प्रीशियस लाइफ तमें ये जो स्टोरी पढ़ा ये पोएम कम पढ़ा जे हार्ट ब्रेकिंग पोएम यहाँ गोटे हृदय विदारक दृश्य रही हाउ ए मोमेंट ऑफ सिंपल केयरलेसनेस केमती गोटे सिंपल साधारण केयरलेसनेस बा दायित्वहीनता आम कहीपर कॉस्ट ए यंग लिवली जड़े युवक युवक जी की जीवंत थे चमत्कार देखा एंड केयरिंग बॉय ऑफ हिज प्रीशियस लाइफ तांकर मूल्यवान जीवन हर पड़ा से विषय आम पढ़ा ओके निमांस विषय में लिखाई पिला मैंने जमा व्यस्त होनी कहीं ये चैप्टर भी इंपोर्टेंट तुम 2021 मैट्रिक रे बहुत क्वेश्चन आसब तेणु मन दे समस्त देखा निमांस हाज ए यूनिक ह्यूमन ब्रेन म्यूजियम व्हेयर मेनी ब्रेन स्पेसिमेंस अफेक्टेड बाय वेरियस डिजीज कंडीशंस लाइक इन्फेक्शन ट्यूमर स्ट्रोक इंजुरी एंड न्यूरोलॉजिकल डिजऑर्डर्स एटसेट्रा आर प्रिजर्व्ड इन फॉर्मालिन एंड डिस्प्लेड इन सी थ्रो चार्स तले निमांस जहाँ पढ़िले निमांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस पढ़िले बेंगलोर रे अछि से गोटे यूनिक अछि गोटे अद्वितीय ह्यूमन ब्रेन म्यूजियम अछि तुम देखि पड़थिबो डिस्प्ले उपरे व्हेयर मेनी ब्रेन स्पेसिमेन्स अफेक्टेड बाय वेरियस डिजीज कंडीशंस बहुत गुड़े स्पेसिमेन जहाँकि बहुत गुड़े रोग जो होता है से विषय लिखाई थाए जमीक इनफेक्शन
ट्यूमर इनफेक्शन होइतिबो ब्रेन को ट्यूमर स्ट्रोक स्ट्रोक होइतिबो ब्रेन स्ट्रोक जहाँ में कहे इंजुरी होइतिबो कि सीवियर आघात पाइतिबो एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एवं स्नायु जनित किसी डिसऑर्डर होइतिबो असुविधा होइतिबो से विषय में आर प्रिजर्व्ड मानक संरक्षण करा जाए इन फॉर्मालिन 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 कौन तुम्हें जान फॉर्मालिन हूँ गोटे केमिकल लिक्विड मेड बाय मिक्सिंग फॉर्मल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस एंड वाटर यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव एंड डिसइनफेक्टेंट ओके डिसइनफेक्टेंट से विषय में तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़व प्लस टू में तुम्हें साइंस पढ़व तुम कार्बन कंपाउंड चैप्टर यहाँ गोटे डिसइनफेक्टेंट हिसाब से यूज करा हुए गोटे लिक्विड ओके एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड जर ना ताले तगु फॉर्मलिन रे तगु फॉर्मलिन बोल कहते एंड डिस्प्लेड इन सी थ्रो जार्स एवं सी थ्रो माने विजिबल जार तगु रखा हुए वन ऑफ द ब्रेन स्पेसिमेंस इज फ्रॉम एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट विक्टिम हु सकम्ड टू हेड इंजुरीज वन ऑफ द ब्रेन स्पेसिमेंस ब्रेन रो स्पेसिमेन जहाँ अच्छी बा स्पेसिमेन मीन्स सैंपल बा नमूना जहाँ अच्छी सेटा कोठ आछी ना इज फ्रॉम एन अनफॉर्चुनेट गोटे दुर्भाग्य जनित एक्सीडेंट दुर्घटना रो आसी व्यक्ति माने शिकार बा पीड़ित व्यक्ति थारु हु सकम्ड टू हेड इंजुरीज सकम मीन्स डाई फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ए डिजीज और इंजुरी गंभीर आघात जोगु मृत्युवरण करबा बुझु छी हेड सिवियर आघात लगी इंजुरी है से ब्रेन टी डैमेज ह्यूमन रो डेथ हो तेणु ताठू सैंपल बा स्पेसिमेन आसी रखाई ओके परहाप्स ही वुड नॉट हैव लॉस्ट हिज लाइफ हार्ड ही वर्न ए हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग हिज टू व्हीलर केत ड्राइविंग करूला तर टू व्हीलर जदि से हेलमेट पिंधि थांता ताले ए एक्सीडेंट बा तर डेथ है न थांता बुझी होची वेरी सिंपल पिला माने परहाप्स ही वुड नॉट हैव लॉस्ट हिज लाइफ हार्ड ही वर्न वीयर पास्ट फॉर्म वर्न ए हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग हिज टू व्हीलर विकी इज ए फिक्शनल कैरेक्टर फिक्शनल मीन्स इमेजिनरी कल्पित कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द पोएट फॉर दिस पोएम पोएट रीता एस मनी द्वारा क्रिएट हो यूज कराई पोएम आज सी टेंडरली रिफ्लेक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल बिहाइंड द ब्रेन स्पेसिमेन से ब्रेन स्पेसिमेन टी कहार विकी रहा पढ़ले तेणु तार जीवन कथा से टेंडरली रिफ्लेक्ट्स मीन्स कोमल भाव सुंदर भाव दर्शाई छंती इन द फॉर्मालिन जार ओके फॉर्मालिन जार विषय रे हुज लाइफ वाज ट्रेजिकली कट शॉर्ट इन ए रोड एक्सीडेंट जार लाइफ कार लाइफ हुज लाइफ बिकिस लाइफ वाज ट्रेजिकली एक्सीडेंटली अति दुखद भाव रे कट शॉर्ट होइतिला बा क्षतिग्रस्त होइतिला बा से मृत्युवरण करथिला इन ए रोड एक्सीडेंट रे ओके द पोएम टीचेस ए लेसन दैट एज फेम ब्यूटी स्ट्रेंथ और विजडम बिकम्स meaningless unless a person is careful about his safety what is meaningless age fame beauty strength or wisdom e sabu kichhi houji meaningless arthahina age ho payas ho ba fame prasiddhi ho beauty saundarya strength shakti ba kshamata ho ba gyan wisdom knowledge ho sabu kichhi arthahina ho jaye jodi sulukoti careful na thai tar safety bisoyre okay so we should be careful about our safety okay to bartaman ame padhiba aguru jaha tumaku mu kahichi stanza 1 aur stanza 2 maji ei video re tumaku bujhei nebi ta purburu mo chapter tiku bhala re padhuchi tumhe mon dei ki suno kemti pronunciation karuchi mon dei ki suno hi I am Vicky's brilliant brain sitting in a formalin jar with distain on display to promote knowledge gain watching people stare at me again and again how insulting to be called a specimen 2 years ago I was part of a living human I got no stroke tumor or box within yet ended up in this jar to my chagrin Vicky was a young boy smart and sane full of life and vigor sun wind or rain computers and maths were his domain his motto in life was no pain no gain Vicky's love for his parents was truly insane
and he adored his grandma Wrinkles and Kane. In college, when he stole a glance at Lorraine, why his heart went thud-thud only I could explain. On a wet monsoon day, for a task mundane, Vicky rode his bike to his friend in the next lane. For once, from wearing his helmet, he did refrain. God, he met with an accident, gory and inhuman. All it took was a stray moment in an a young life lost, a family crossed with pain. Dear friends, take care. Risky driving can be bane. Drive safe. Let your precious life not in vain. बर्तमान आम स्टांजा वन पढ़ा आराम रे तुम्हें इजिली बुझिपार वीडियो को लास्ट पर्यटन देख हाय आई एम विकीज ब्रिलियंट ब्रेन सिटिंग इन ए फॉर्मलिन जार विथ डिस्डेन ऑन डिस्प्ले टू प्रमोट नॉलेज गेन वाचिंग पीपल स्टेयर एट मी अगेन एंड अगेन हाय हाय इज यूज्ड एज ए ग्रीटिंग वर्ड ए कॉल टू गेट समबडीज अटेंशन ये हाय यूज कर ग्रीटिंग वर्ड गोटे अभिवादन जनवाई जनकर अटेंशन बा मन टाणी तले आई एम विकीज ब्रिलियंट ब्रेन द पोएट हाज पर्सोनिफाइड अबाउट विकीज ब्रिलियंट ब्रेन दैट मीन्स विकीज ब्रेन इज ब्रिलियंट ब्रिलियंट मीन्स वेरी ब्राइट एंड क्लेवर दीप्तिमान असाधारण बुद्धि संपन्न तले एठी फास्ट लाइन रे कुहाई छी जे विकीर ब्रिलियंट ब्रेन एठी दृष्टि आकर्षण करुछी समस्तंकर सिटिंग इन ए फॉर्मलिन जार विथ डिस्टेन सिटिंग हुई सिटिंग और व्हाट इज सिटिंग विकीज ब्रिलियंट ब्रेन ब्रेन मान तुम जानिछ मस्तिष्क विकी होछ गोटे यंग बॉय आमे पढ़ीछे गोटे कॉलेज स्टूडेंट सिटिंग इन ए फॉर्मलिन जार तार ब्रेन सिटिंग इन ए सिटिंग मीन्स प्रिजर्विंग और से बसीछि बा केप्ट रहीछि कोठी ना इन ए फॉर्मलिन जार गोटे जार फुल ऑफ द केमिकल फॉर्मलिन फॉर्मलिन कौन पढ़ीछे ए लिक्विड मेड बाय मिक्सिंग फॉर्मल्डिहाइड ए स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस एंड वाटर यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव एंड डिसइनफेक्टेंट बहुत दिन रही आम गोटे केमिकाल यूज करूँ जार ना हूँ फॉर्मल्डिहाइड आम फॉर्मलिन कहे से जारे अच्छी विकीज ब्रिलियंट ब्रेन इज सिटिंग इन द फॉर्मलिन जार विथ डिस्डेन डिस्डेन मीन्स घृणा हाट्रेड बा अनादर द फिलिंग दैट समवन और समथिंग इज अनोर्दी ओके आम डिसरेस्पेक्ट बोलीपर जन को भल लगुनि हताश लगुच दुख लगुच घृणा हिसाब से बसी रही तार इच्छा ना कि जबरदस्त बसी रही व्हाट दैट इज विकीज ब्रिलियंट ब्रेन ऑन डिस्प्ले टू प्रमोट नॉलेज गेन डिस्प्ले मीन्स टू शो और टू एक्जिबिट प्रदर्शन करवा टू प्रमोट प्रमोट मीन्स इनक्रीज और डेवलप उन्नति करवा नॉलेज गेन गेन माने लाभ तुम्हें भल जान टू गेट बाय एफर्ट लाभ करवा व्हाट नॉलेज त माने नॉलेज को वृद्धि करने या को देखा जाओ देखा ऑन डिस्प्ले व्हाट इज ऑन डिस्प्ले विकीज ब्रिलियंट ब्रेन व्हिच इज सिटिंग इन द फॉर्मलिन जार विथ डिससैटिस्फैक्शन और डिसरेस्पेक्ट ओके ऑन डिस्प्ले टू प्रमोट नॉलेज गेन बुझीगला तार नॉलेज जहाँ रही माने जने द नॉलेज को इनक्रीज करिपरिबो डेवलप करिपरिबो प्रमोट करिपरिबो ताकु देखिक वाचिंग पीपल स्टेयर एट मी अगेन एंड अगेन देन वाचिंग पीपल व्हाट आर द पीपल डूइंग द पीपल आर वाचिंग टू हुम टू विकीज ब्रिलियंट ब्रेन एंड स्टेयर एट मी अगेन एंड अगेन स्टेयर माने कौन ना स्थिर दृष्टि रे बा एक लयरे कौन से व्यक्ति व पदार्थ को चाहिए टू लुक आट समबडी और समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम आम स्टेयर बोली कहे तो लोक मैंने दीर्घ समय धरी ताकू चाहते अगेन एंड अगेन फ्रिक्वेंटली बारंबार कहीं टू इनक्रीज देयर नॉलेज बुझे फास्ट ना था हाय आई एम विकीज ब्रिलियंट ब्रेन सिटिंग इन ए फॉर्मलिन जार विथ डिस्डेन ऑन डिस्प्ले टू प्रमोट नॉलेज गेन वाचिंग पीपल स्टेयर आट मी अगेन एंड अगेन तुम जब चाहूँ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग पाइबापी तेल तुम्हें नोट डाउनलोड करनी वर्ड मीनिंग सहित से एक्सप्लानेसन समरी दि जाए अब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कसन होटांजा वाइज भेरी यूजफुल हम डिस्क्रिप्स में लिंक दिखाई निश्चित भाव में डाउनलोड करनब
ତାହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନକୁ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହି ରଖୁଛି। ଦ ପୋଏମ୍ ବିଗିନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ବିକିସ୍ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭଡ୍ ଅର୍ କେପ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ ଫର୍ ଦ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ବିକିସ୍ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ୱାଜ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ସ୍ପେସିମେନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ରେନ୍ ଟୁ ଗେନ୍ ନଲେଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ବ୍ରେନ୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ବିକିସ୍ ବ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ସିଟିଂ ଇନ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍, ଏ ଜାର୍ ହାଭିଂ ଏ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଫର୍ମାଲିନ୍। ଓକେ, ବିକିସ୍ ବ୍ରେନ୍ କଲ୍ସ ଦ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭିଜିଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେଲ୍ସ ଦେମ୍ ସମଥିଂ ଏବାଉଟ୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ। ବୁଝୁଛି, ବଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଆଭର୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହି ଇଜ୍ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ଡ ଟୁ ସିଟିଂ ଇନ୍ ଏ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍। ହି ଇଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଅନ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଦ ଗେନ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍। ପିପୁଲ୍ ଭିଜିଟିଂ ଦ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ୱାଚ୍ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ୱିଲିଙ୍ଗନେସ୍ ଅର୍ ଇଗର୍ନେସ୍, ଦେ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ହିମ୍ ଫିକ୍ସେଡ୍ଲି ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାଦର୍ ମୋର୍ ନଲେଜ୍। ଭାବୁଛି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ୱାନ୍ ବୁଝି ହେଇଥିବ। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ହାଉ ଇନ୍ସଲ୍ଟିଂ ଟୁ ବି କଲ୍ଡ ଏ ସ୍ପେସିମେନ୍, ଟୁ ଇୟର୍ସ ଏଗୋ ଆଇ ୱାଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଲିଭିଂ ହ୍ୟୁମନ୍, ଆଇ ଗଟ୍ ନୋ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ଅର୍ ବକ୍ସ ୱିଦିନ୍, ୟେଟ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଚାର୍ ଟୁ ମାଇ ସାଗ୍ରନ୍। ହାଉ ଇନ୍ସଲ୍ଟିଂ, ଇନ୍ସଲ୍ଟିଂ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଅପମାନଜନକ। ବୁଝୁଛି, ତାହେଲେ ବିକିସ୍ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍କୁ ଇନ୍ସଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବା ଅପମାନ ଲାଗୁଛି, ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଟୁ ବି କଲ୍ଡ ଏ ସ୍ପେସିମେନ୍। କେଉଁଥିପାଇଁ ନା, ତାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିମେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ସାମ୍ପଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ନମୁନା ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝୁଛି, ଟୁ ଇୟର୍ସ ଏଗୋ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଆଇ ୱାଜ୍, ଆଇ ମିନ୍ସ ବିକିସ୍ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ୱାଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଲିଭିଂ ହ୍ୟୁମାନ୍, ୱାଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି। ଓକେ, ବିକିସ୍ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ୱାଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଲିଭିଂ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଅର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ଟୁ ଇୟର୍ସ ଏଗୋ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବିକିର ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ିର, ଗୋଟେ ମଣିଷର, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଇନ୍ସଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବହୁତ, ତାକୁ ସାମ୍ପଲ୍ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ଆଇ ଗଟ୍ ନୋ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ଅର୍ ବକ୍ସ ୱିଦିନ୍, ଆଇ ଗଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ବ୍ରେନ୍ ହାଡ଼ ଗଟ୍ ନୋ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ବ୍ରେନ୍ର କିଛି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇନଥିଲା। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାନେ ଜାଣିଛ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଘାତ, ଆକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରେନ୍ ଆଟାକ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ କେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ସପ୍ଲାଏ କଟ୍ ହେଇଯାଏ। ବୁଝିହେଉଛି, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ ଆଟାକ୍ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କହୁଛେ। ତେଣୁ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ନଥିଲା, ନୋ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ନୋ ଟ୍ୟୁମର୍। ଟ୍ୟୁମର୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଆବୁ ବୋଲି କହୁଛେ, ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। ବୁଝିହେଉଛି, ଏ ମାସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ ଗ୍ରୋଇଂ ଇନ୍ ଅର୍ ଅନ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବଡି ୟୁଜୁଆଲି କଜିଂ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ କିଛି ମାଂସ ସରଭାବରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ବା ଆବୁ ବାହାରିଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଟ୍ୟୁମର୍। ଅର୍ ବଗ୍ସ, ବଗ୍ ମିନ୍ସ ଆନ୍ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଇଲନେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଫେୟାର୍ଲି ମାଇଣ୍ଡ, ମାନେ ଶରୀର ଭିତରେ ଜୀବାଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଅଂଶକୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ବିଶେଷ ଆମେ କହୁଛେ, ତାହେଲେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ତାମାନେ ଦ ବ୍ରେନ୍ ହାର୍ଟ ଗଟ୍ ନୋ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ନୋ ଟ୍ୟୁମର୍ ଅର୍ ନୋ ବକ୍ସ, ୟେଟ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଚାର୍ ଟୁ ମାଇ ସାଗ୍ରନ୍। ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଚାଗ୍ରିନ୍ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଆକୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିବ ସାଗ୍ରନ୍। ଓକେ, ୟେଟ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଚାର୍, ମୋତେ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବା ମୋତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲାଇଫ୍କୁ ସ୍ପେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଇନ୍ ଦିସ୍ ଚାର୍, ଇନ୍ ଦିସ୍ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଚାର୍ ଟୁ ମାଇ ସାଗ୍ରନ୍। ସାଗ୍ରନ୍ ମିନ୍ସ ଏ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଅନ୍ହାପିନେସ୍, ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଅର୍ ଡିସାପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆନୟାନ୍ସ, ଅସନ୍ତୋଷ ବା ବିରକ୍ତିର ସହିତ ମୋତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଝିଲା, ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଟୁ, ହାଉ ଇନ୍ସଲ୍ଟିଂ ଟୁ ବି କଲ୍ଡ ଏ ସ୍ପେସିମେନ୍, ତାମାନେ ସିନ୍ସ ପିପୁଲ୍ ୱେଆର୍ ଷ୍ଟେୟାରିଂ ଆଟ୍ ଦ ବ୍ରେନ୍, ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ରେନ୍କୁ ବା ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦ ବ୍ରେନ୍ ଫେଲ୍ଟ ଇନ୍ସଲ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବି କଲ୍ଡ ଏ ସ୍ପେସିମେନ୍, ତାକୁ ଇନ୍ସଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ପଢ଼ିଲେ ଆମେ, ମୁଁ ଥିମ୍ଟା କହିଦେଉଛି, ଦ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଡାଏ ଅଫ୍ ଏନି ଡିଜିଜ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରେନ୍ ହାଡ୍ ଟୁ ବି କନ୍ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଚାର୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏ ଟ୍ରାଜିକ୍ ରୋଡ଼୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଏ ଯେଉଁ କନ୍ଫାଇନ୍ମେଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ କନ୍ଫାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ବା ଆବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ମେଡ୍ ଇଟ୍ ଫିଲ୍ ଅନ୍ହାପି। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଡିସ୍ପ୍ଲେ କରାହେଉଛି, ଆମେ ପଢ଼ିଲା ଆଗରୁ, ହି ଇଜ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଜାର୍ ଆଜ୍ ଏ ସ୍ପେସିମେନ୍। କାହିଁକି ନା, ହି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କେୟାରଲେସ୍ ରାଇଡର୍ ହୁଜ୍ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ କଟ୍ ସର୍ଟ ବାଏ ଆନ୍ ଅନ୍ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ,
but the word specimen is very insulting to him. He cannot settle himself to this tragic position. He was a part of living human being 2 years ago. He was the brain of a brilliant boy. He did not suffer from stroke, tumor, or box within. Yet, he ended up in the formalin jar. He is not happy about this situation. He feels annoyed or irritated at being in the jar. Okay, the stanza 2. तुम्हारा कंप्लीट हो गला वर्ड मीनिंग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तासे एक्सप्लेनेशन पाई तुम्हें नोट फॉलो करि परबो डिस्क्रिप्शन रे नोट दिया हि छि निश्चित भाबरे वेरी इंपोर्टेंट यूजफुल नोट एंड स्पेशली डिजाइन फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स सो प्लीज डाउनलोड द नोट डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन द बिलो ओके विजिट डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड देन डाउनलोड द नोट ओके तले नेक्स्ट पार्ट रे आमे स्टांजा 3, 4, 5, 6 बा बाकी जहाँ रहिला डिस्कशन करिबा ता सहित ग्लोसरी मध्य डिस्कशन करिबा ओके वीडियो को एट एंड करिबा तुम काम बहुत कम तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिलो निश्चित भाव रे बुझी पार्थिबो बारंबार देखो जदि किछ डाउट रहउछ मते कमेंट बॉक्स रे जणा एवं तुमर फ्रेंड्स माननकु जते प्रकार तुमे शेयरिंग जानिचो फ्रेंड्स माननकु शेयर कर दियो काईक ना वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर ना थिला तो फॉर्मलिन जार हम स्टांजा 1 और स्टांजा 2 ए वीडियो रे पढ़िले नेक्स्ट पार्ट को वेट करो से पण समस्त खुशी रहो एवं निजे को प्रिपेयर करो था एग्जाम पई थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो कीप वाचिंग माय चैनल एंड टेक केयर थैंक यू